गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओरेकल टेक इंडिया। और आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में एसक्यूएल में DDL, DML, DQL एंड DCL स्टेटमेंट क्या है वो समझेंगे, जो कि जब आप ओरेकल एसक्यूएल का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसका ये बेस तैयार करेगा। तो चलिए लेक्चर को समझते हैं। SQL कमांड्स, तो SQL कमांड्स के बारे में हम समझेंगे कि SQL कमांड्स की कितनी कैटेगरीज है। तो दीज SQL कमांड्स आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू फोर कैटेगरीज। तो SQL कमांड्स को समझने के लिए इसको चार कैटेगरी में डिवाइड करके जो है समझेंगे। तो SQL कमांड्स की जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको DDL बोलते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड्स है SQL, ओरेकल SQL के मॉड्यूल में। तो DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे। उसके बाद SQL कमांड्स की जो दूसरी कैटेगरी है वो है DQL। DQL का मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज, तो इसको भी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। थर्ड जो है DML है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसमें हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे कमांड्स जो है डेटा के ऊपर कैसे परफॉर्म करते हैं वो सारा डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, तो DCL का मतलब है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसमें देखेंगे कि SQL के कैसे कमांड्स इसके अंदर होते हैं। उसके बाद मैंने रिसोर्सेज क्लेम देयर टू बी अनदर कैटेगरी ऑफ SQL क्लाउज। तो बहुत सारे जो रिसोर्सेज है वो क्लेम करते हैं कि SQL क्लाउजेस की और भी दूसरी कैटेगरी होती है, जैसे कि TCL। TCL को बोलते हैं ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसमें भी देखेंगे कि ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में SQL की कौन कौन सी कमांड्स आती है। तो एक एक करके जो है समझेंगे कि DDL, DQL, DML और DCL लैंग्वेज में, SQL कमांड्स के लैंग्वेज में कौन कौन सी कमांड्स आती है, और एक एक करके इसको अच्छे से समझेंगे। तो आपका जो SQL का जो पूरा मॉड्यूल है, और ओरेकल SQL का जो पूरा मॉड्यूल है उसमें बेसिकली आपको DDL और DQL, DML, DCL और TCL, यही सारे कमांड्स उसमें यूज होते हैं। DDL, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो आइए देखते हैं कि DDL में SQL के कौन कौन से कमांड्स आते हैं। तो DDL और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द SQL कमांड्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन द डेटाबेस स्कीमा। तो DDL और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में SQL के वे कमांड्स आते हैं जिनको यूज करके आप डेटाबेस के स्कीमा को डिफाइन कर सकते हैं। तो डेटाबेस की स्कीमा का मतलब कि कंपनी की इंफॉर्मेशन टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होती है डेटाबेस में। तो जो हम टेबल्स बनाते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय टेबल, तो एम्प्लॉय टेबल में कंपनी की एम्प्लॉय के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। डिपार्टमेंट टेबल, तो कंपनी की डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन सेव होती है वो डिपार्टमेंट टेबल में होती है। लोकेशन टेबल में लोकेशन की इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट टेबल में प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन। तो कंपनी के इंफॉर्मेशन को अलग अलग टेबल्स बना करके टेबल्स में स्टोर किया जाता है, और जिस टेबल के साथ रिलेशन वगैरह है वो रिलेशन भी प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू एस्टेब्लिश किया जाता है। तो डेटाबेस स्कीमा को हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि पूरा एक टेबल, तो उस टेबल का नाम देना है, उस टेबल में कॉलम्स के नाम देने हैं, उस टेबल के ऊपर
कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करना है, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, नोटनल की, तो ये सारी चीज़ों को बोलते हैं कि डेटाबेस की स्कीमा को डिफाइन करना, मतलब पूरा टेबल, टेबल के कॉलम्स, उसके कॉन्स्टेंट्स वगैरह को डिफाइन करने के लिए हम जो कमांड्स यूज़ करते हैं वही कमांड्स DDL या डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आते हैं। तो इट सिंपली डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस स्कीमा। तो डेटाबेस की स्कीमा को, डेटाबेस की स्कीमा के डिस्क्रिप्शन को ये डील करता है। डेटाबेस स्कीमा मतलब टेबल्स, टेबल्स में आपको क्या देना है, नाम देना है, कॉलम्स देना है, कॉन्स्टेंट्स देने हैं, इसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो इसी को जो है DDL के कमांड्स इनको डील करते हैं। आगे एंड यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स इन द डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि टेबल, जैसे कि इंडेक्स, जैसे कि फंक्शन, व्यूज, प्रोसीजर, ट्रिगर्स, ये सारे डेटाबेस में डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, और इन सब में जो है इंफॉर्मेशन किसी ना किसी रूप में सेव होती है। तो ऐसे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं DDL के स्टेटमेंट से, DDL के कमांड से। तो आइए देखते हैं कि DDL के कौन-कौन से कमांड्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप डेटाबेस या ओरेकल DBA डेवलपर के रिगार्डिंग कोई इंटरव्यू देने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि DDL के कौन कौन से कमांड्स होते हैं। तो DDL में आपके पास जो पहला कमांड है वो क्रिएट कमांड है, दूसरा ड्रॉप कमांड, तीसरा ऑल्टर कमांड, चौथा ट्रंकेट कमांड, पांचवा कमेंट कमांड और छठा रीनेम कमांड। तो क्रिएट कमांड क्या करता है, बेसिकली कोई भी टेबल्स आप क्रिएट करते हो तो क्रिएट कमांड को यूज करके उस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी आप इंडेक्स को क्रिएट करना चाहते हो, कोई भी आप फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो, कोई भी आप व्यूज क्रिएट करना चाहते हो, कोई भी आप प्रोसीजर या ट्रिगर्स को क्रिएट करते हैं SQL की लैंग्वेज में, तो वहां पर क्रिएट कमांड को यूज करते हैं। तो क्रिएट कमांड इज बेसिकली रिलेटेड टू क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, केवल टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कमांड को यूज करते हैं, और क्रिएट कमांड आपका DDL का स्टेटमेंट है, DDL का कमांड है। तो इट इज यूज टू क्रिएट द डेटाबेस, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड को यूज करते हैं, मतलब डेटाबेस में जो टेबल्स होती है, टेबल्स में जो इंफॉर्मेशन होते हैं उन टेबल्स को क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड को यूज करते हैं। इट्स ऑब्जेक्ट्स, डेटाबेस को ऑब्जेक्ट्स, जैसे टेबल को क्रिएट करना है, इंडेक्स को क्रिएट करना है, फंक्शन को क्रिएट करना है, व्यूज को क्रिएट करना है, स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करना है, ट्रिगर्स को क्रिएट करना है, तो इसके लिए क्रिएट कमांड को यूज करते हैं। तो इंडेक्स हो गया, फंक्शन हो गया, व्यूज हो गया आपका, प्रोसीजर हो गया, ट्रिगर्स हो गया, ये SQL लैंग्वेज के ये मेन जो है चैप्टर है, टॉपिक्स है। तो ये जब आप ओरेकल SQL का मॉड्यूल पढ़ोगे मुझसे आगे, तो वहां पे आपको ये सब समझाऊंगा कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, व्यूज कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, ट्रिगर्स कैसे फायर करते हैं, तो ये सारी चीजें मैं वहां समझाऊंगा। नेक्स्ट, आप किसी भी टेबल को या फिर किसी भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को, लाइक इंडेक्स, फंक्शन, व्यूज को आप ड्रॉप करना चाहते हो, हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हो, तो आप DDL के ड्रॉप कमांड को यूज करोगे। तो इट इज यूज टू डिलीट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डेटाबेस। तो डेटाबेस से ऑब्जेक्ट को, जैसे टेबल, इंडेक्स, फंक्शन, व्यूज, प्रोसीजर और ट्रिगर्स को हमेशा के लिए आप डिलीट करना चाहते हो तो ड्रॉप कमांड को यूज करोगे। ऑल्टर कमांड, ऑल्टर कमांड क्या करता है, लेट सपोज एक टेबल बनाया आपने और आप चाहते हो कि मैं एक कॉलम और ऐड कर दूं उस टेबल में, तो ऑल्टर कमांड यूज करेंगे। या किसी एक टेबल को, किसी एक टेबल के कॉलम को मैं डिलीट करना चाहता हूं, या किसी कॉलम के नाम को मैं चेंज करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम ऑल्टर कमांड को यूज करते हैं। तो इट इज यूज टू ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस।
डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, मतलब टेबल के स्ट्रक्चर को, इंडेक्स के स्ट्रक्चर को आप ऑल्टर करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। ट्रंकेट कमांड का क्या यूज है? एक टेबल है, लेट सपोज ईएमपी का टेबल है, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स इंसर्ट है, इंफॉर्मेशन इंसर्ट है, तो ट्रंकेट कमांड जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो उस टेबल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सारी इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाएगी, इवन कि स्पेसेस वगैरह भी रिमूव हो जाएंगे, केबल और केबल आपका उस टेबल का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, टेबल का नाम और टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स वगैरह है वही सारा दिखाएगा, उसके अंदर जो डेटा है रिकॉर्ड है वो सारे उड़ जाएंगे। तो इट इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल, एक टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को रिमूव करने के लिए ट्रंकेट कमांड को यूज करते हैं, स्पेसेस वगैरह जो उसमें एलोकेट की गई है रिकॉर्ड्स में वो सारे रिमूव हो जाएंगे। कमेंट कमांड, किसी भी टेबल के ऊपर आप कोई कमेंट लिखना चाहते हो, तो कोई टेबल क्रिएट किया, लेट सपोज ईएमपी का टेबल क्रिएट किया, मैंने उसके ऊपर कुछ कमेंट लिखना है मुझे, तो कमेंट कमांड से इसको लिख सकते हैं। तो इट इज यूज टू ऐड कमेंट्स टू डेटा डिक्शनरी, क्योंकि जो टेबल्स आप बनाते हो तो टेबल का नाम क्या है, उसके कॉलम्स क्या है, उसके ऊपर कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स आपने अप्लाई किए हैं, वो सारी डिटेल्स आपकी जा करके स्टोर होती है डेटा डिक्शनरी में। तो उस टेबल के ऊपर आप कोई भी कमेंट लिखते हो तो वो कमेंट भी जा करके डेटा डिक्शनरी पे ही ऐड हो जाती है जा करके। तो इस तरीके से आप टेबल के ऊपर क्या कमेंट है वो कमेंट भी आप देख सकते हो। रीनेम, अब कोई टेबल है उसका नाम ईएमपी है और मैं चाहता हूं कि ईएमपी से चेंज करके मैं एम्प्लॉय कर दूं, तो उसके लिए डीडीएल में एक कमांड है, रीनेम कमांड है, तो रीनेम कमांड से हम किसी भी टेबल के नाम को अगेन चेंज कर सकते हैं। तो इट इज यूज टू रीनेम एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग इन द डेटाबेस, तो डेटाबेस में टेबल, इंडेक्स, फंक्शन वगैरह के नाम को रीनेम करना है तो हम रीनेम कमांड से उसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारे पास एसक्यूएल कमांड्स की वो है डीक्यूएल, तो डीक्यूएल का मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा पढ़ने या समझने की ज़रूरत नहीं है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज में केबल और केबल एसक्यूएल की कमांड्स आती है, सॉरी सिलेक्ट कमांड आती है, ठीक है। तो जो लोग थोड़ा बहुत भी एसक्यूएल के बारे में जानते होंगे तो उनको पता है कि एसक्यूएल में सिलेक्ट कमांड का क्या रोल है। कोई भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है एसक्यूएल क्वेरी में तो आप सिलेक्ट कमांड को लिखते हैं। तो लेट सपोज एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है और उसमें जो है मैं सैलरी वाले कॉलम और एम्प्लॉय आईडी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट लिखूँगा, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी कोमा ईएमपी सैलरी फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम है ईएमपी, तो फ्रॉम ईएमपी, तो सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी ईएमपी सैलरी फ्रॉम ईएमपी, एंटर प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट कमांड इसमें क्या करेगा, सिलेक्ट कमांड एम्प्लॉय आईडी की इंफॉर्मेशन और एम्प्लॉय सैलरी की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके आपके सामने रख देगा। तो ये सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है, ये कमांड जो है, ये डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज में ये कमांड आती है, बस आप इतना याद रखो, ठीक है। तो डीएमएल स्टेटमेंट्स आर यूज फॉर परफॉर्मिंग क्वेरीज ऑन द डेटा विद इन स्कीमा ऑब्जेक्ट, तो डीएमएल स्टेटमेंट्स जो है वो यूज करते हैं किसी भी स्कीमा ऑब्जेक्ट में, जैसे कि टेबल्स, इंडेक्स, ये सब स्कीमा ऑब्जेक्ट्स है, तो किसी भी टेबल, इंडेक्स वगैरह पे जो डेटा स्टोर है उस डेटा के ऊपर क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए हम डीएमएल के स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। तो डीएमएल का स्टेटमेंट्स, डीएमएल के स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं तो वो नीचे हम समझेंगे। तो क्वेरी पे कोई डेटा के ऊपर कोई भी क्वेरी परफॉर्म करना है तो डीएमएल के स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, और जो है डीक्यूएल कमांड का जो पर्पज है वो है सम स्कीमा रिलेशन बेस्ड ऑन क्वेरी पास टू इट, मतलब किसी भी स्कीमा से, किसी भी टेबल से,
डेटाबेस से आप कोई भी कॉलम की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना चाहते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव करना चाहते हो, तो सिलेक्ट लिख करके कॉलम का नाम देंगे, उसके बाद फ्रॉम टेबल करके हम उस कॉलम के इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर लेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखने की ज़रूरत है कि DQL कैटेगरी में सिलेक्ट कमांड जो है आपकी आती है। इट इज़ यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं हम डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए। सिलेक्ट एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम EMP। तो सिलेक्ट इसमें क्या करेगा, सिलेक्ट कमांड एम्प्लॉय ID और एम्प्लॉय सैलरी को उठा करके EMP टेबल से आपके सामने रख देगा। तो यही है सिलेक्ट कमांड का यूज़। अब DML का मतलब क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी DML की है। तो DML का मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो द SQL कमांड्स दैट डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा प्रेजेंट इन डेटाबेस बिलोंग टू DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो क्या कह रहा है कि डेटाबेस में जो डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा के ऊपर मैन्यूपुलेशन करने के लिए, डेटा को इंसर्ट करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए हम DML कमांड्स को यूज करते हैं। एंड दिस इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द SQL स्टेटमेंट्स। तो डेटा के ऊपर कोई भी मैन्यूपुलेशन करने के लिए हम DML के स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। तो DML के स्टेटमेंट्स जो है बहुत यूज होते हैं, इसके SQL स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो DML कैटेगरी में कौन कौन सी कमांड्स आती है, तो इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड और डिलीट कमांड। तो इंसर्ट कमांड का मतलब क्या है, एक टेबल के अंदर कोई डेटा, कोई रिकॉर्ड, कोई इंफॉर्मेशन आप इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंसर्ट कमांड को यूज करोगे। अपडेट कमांड का मतलब क्या, एक टेबल के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन, लेट सपोज एम्प्लॉय ID 101 की जो सैलरी है वो 25,000 है, बट आई वॉन्ट टू चेंज दैट सैलरी फ्रॉम 25,000 टू 28,000। तो मुझे जो है 25,000 सैलरी की जगह पर मुझे 28,000 सैलरी करनी है, तो सैलरी को मुझे अपडेट करना है, तो अपडेट कमांड को यूज करेंगे। तो ये DML स्टेटमेंट में आता है। उसके बाद जो है डिलीट कमांड है, तो किसी भी टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी इंफॉर्मेशन को मुझे डिलीट करना है, इसलिए रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है। लेट सपोज एम्प्लॉय ID 101 मुझे पूरा जो है डिलीट करना है, तो उसके लिए डिलीट कमांड को यूज़ करेंगे। तो पीछे DDL के स्टेटमेंट्स में मैंने बताया था कि ड्रॉप कमांड जो है वो क्या करेगा, पूरा का पूरा टेबल ही उड़ा देगा, बट डिलीट कमांड जो है टेबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उस इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉय ID के बेसिस पे किस ID को पूरा उड़ाना है, उस ID के रिगार्डिंग जो उसकी सैलरी होगी, जो उसका नाम होगा, जो उसका एड्रेस होगा, जो उसके डिपार्टमेंट का नेम होगा, वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही उड़ जाएगा डिलीट कमांड से। तो इसमें बस आपको याद रखने की जरूरत है कि DML के कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं। तो DML के जो कमांड्स होते हैं, मतलब DML के कौन कौन से कमांड्स होते हैं, तो DML के जो कमांड्स होते हैं वो इंसर्ट कमांड होते हैं, अपडेट कमांड और डिलीट कमांड। ये तीन कमांड्स DML में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है DCL। तो DCL का मतलब है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो DCL में जो है दो इम्पॉर्टेंट कमांड्स आते हैं, एक का नाम है ग्रांट कमांड और दूसरे का नाम है रिवोक कमांड। तो विच मेनली डील्स विद द राइट्स, परमिशंस एंड अदर कंट्रोल्स ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस सिस्टम में राइट्स को ये डील करता है, परमिशन को ये डील कर सकता करता है और दूसरे कंट्रोल्स को ये डील करता है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम समझते हैं कि DCL कमांड्स में जो है दो कमांड्स है, ग्रांट और रिवोक। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रांट कमांड का क्या यूज है। तो यहाँ पे ग्रांट कमांड का यूज जो है वो है गिव्स यूजर्स एक्सेस प्रिविलेजेस टू डेटाबेस। तो एक डेटाबेस में
बहुत सारे एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होते हैं, क्योंकि कंपनी की इंफॉर्मेशन टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होती है। तो लेट सपोज मैं किसी यूजर को एक टेबल, जैसे कि एम्प्लॉय टेबल है, उस एम्प्लॉय टेबल पे मैं एक यूजर को इंसर्ट कमांड चलाने की भी प्रिविलेजेस देना चाहता हूँ, अपडेट कमांड चलाने की भी, और डिलीट कमांड को भी वो परफॉर्म कर सकता है। तो मैंने उसको तीन प्रिविलेजेस दिए। तो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड को एग्जीक्यूट करने की प्रिविलेजेस, लेट सपोज मैंने एक एम्प्लॉई आईडी है 105, उसको मैंने दी, तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल के ऊपर इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है। यानी कि एम्प्लॉय टेबल में कोई इंफॉर्मेशन इंसर्ट भी कर सकता है, एम्प्लॉय टेबल में कोई इंफॉर्मेशन अपडेट भी कर सकता है, और किसी भी रिकॉर्ड को वो डिलीट भी कर सकता है। और रिवोक कमांड क्या करेगा, विड्रॉ यूजर्स एक्सेस प्रिविलेजेस गिवन बाय यूजिंग द ग्रांट कमांड। तो ग्रांट कमांड के थ्रू मैंने 105 एम्प्लॉय आईडी को ईएमपी टेबल के ऊपर मैंने तीन प्रिविलेजेस दिए थे कि वो टेबल के ऊपर इंसर्ट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। अब लेट सपोज एम्प्लॉय टेबल के ऊपर मैं 105 वाले यूजर से, एम्प्लॉय आईडी वाले यूजर से, मैं डिलीट कमांड का जो प्रिविलेजेस है उसको मैं वापस लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय टेबल पे किसी भी रिकॉर्ड को वो डिलीट ना कर सके। तो रिवोक कमांड से मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय टेबल के ऊपर उस यूजर से डिलीट कमांड को एग्जीक्यूट करने का प्रिविलेजेस मैं उससे वापस लूंगा। तो वापस लेने के लिए वहां पर रिवोक कमांड को यूज करते हैं। तो ग्रांट और रिवोक कमांड जब आप एसक्यूएल लैंग्वेज आगे पढ़ेंगे, ओरेकल एसक्यूएल लैंग्वेज, तो उसमें मैं प्रैक्टिकली ग्रांट और रिवोक कमांड को एग्जीक्यूट करके बताऊंगा कि कैसे किसी टेबल्स के ऊपर ग्रांट देते हैं और कैसे किसी टेबल्स के ऊपर से प्रिविलेजेस को वापस रिवोक कमांड से लेते हैं। तो ये था डीसीएल कैटेगरी के बारे में। डीसीएल में बेसिकली दो टाइप्स के इंपॉर्टेंट कमांड्स आते हैं, ग्रांट और रिवोक। अब नेक्स्ट और लास्ट जो कैटेगरी है वो है टीसीएल। तो टीसीएल को बोलते हैं ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो TCL कमांड्स जो है बेसिकली डील्स करता है ट्रांजेक्शन विद द डेटाबेस। ये डेटाबेस में ट्रांजेक्शन को डील करता है। तो कैसे, तो सबसे पहले समझते हैं कि TCL कमांड्स कौन कौन से होते हैं। तो TCL में, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में, हमारे पास तीन कमांड्स है बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स है, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। तो कमिट का मतलब क्या है, लेट सपोज कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट किया, लेट सपोज कोई क्वेरी आपने एग्जीक्यूट की, क्या क्वेरी एग्जीक्यूट की कि एक एम्प्लॉई की आपने सैलरी अपडेट कर दी, 25,000 उसकी सैलरी थी, आपने 28,000 उसकी सैलरी कर दी। तो एसक्यूएल के थ्रू सैलरी को आपने अपडेट कर दिया अपडेट कमांड को एग्जीक्यूट करके, जो डीएमएल स्टेटमेंट, डीएमएल कैटेगरी का वो कमांड है। तो उसके बाद हम कमिट कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो अपडेट मैंने की है 25,000 से 28,000, तो 28,000 जो है उस टेबल में वो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। लेट सपोज आपने डेटाबेस को शट डाउन कर दिया और फिर से जब डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे तो उस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन सैलरी में 28,000 ही दिखाएगा। तो कमिट का मतलब है कि परमानेंटली उस टेबल में जो भी अपडेशन किया है उस अपडेशन को आपने सेव कर दिया है परमानेंटली। जैसे हम फाइल को सेव करते हैं सेव कमांड से, मतलब फाइल में जा करके सेव पे क्लिक करते तो फाइल सेव हो जाती है, उसी तरीके से जब हम कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई क्वेरी परफॉर्म करते हैं किसी भी टेबल पे, किसी की भी इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं, तो कमिट कमांड चलाने के बाद वो इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है परमानेंटली।
रोल बैक के केस में क्या होता है कि कोई भी रिकॉर्ड आपने अपडेट किया है बट कमिट कमांड को एग्जीक्यूट नहीं किया है। लेट सपोज आपने सैलरी 25,000 से 28,000 कर दिया बट कमिट कमांड आपने एग्जीक्यूट नहीं किया, और उसके बाद जब हम रोल बैक कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो वापस एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, मतलब 28,000 सैलरी से 25,000 वाले सैलरी पे वापस आ जाएंगे। तो जैसे कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे आ जाते हैं तो रोल बैक एक बार कमिट रोल बैक एक बार एग्जीक्यूट करेंगे तो एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। तो रोल बैक एक ट्रांजेक्शन को ये रोल बैक करता है इन केस ऑफ एनी एरर ओकर्स। आगे कोई भी एरर ओकर हो जाए तो हम रोल बैक कर देंगे तो एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। सेव पॉइंट में क्या होता है कि एक एम्प्लॉय की सैलरी आपने अपडेट की, लेट सपोज 25,000 उसकी सैलरी है और अपडेट करके आपने 28,000 कर दिया, तो 25,000 सैलरी जब थी उसको अपडेट करके आपने 28,000 कर दिया, तो वहां पर हम सेव पॉइंट बना लेते हैं 28,000 पे। और उसके बाद आगे हम अपडेट करते चले जाते हैं, हमने 30,000 अपडेट कर दिया, फिर आगे चल करके हमने 35,000 कर दिया, फिर 40,000 कर दिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम जो है वापस जहां पे हमने सेव पॉइंट बनाया था 28,000, हम वापस एक बार में ही 28,000 वाले पीछे रिकॉर्ड पे चले जाएं, तो सेव पॉइंट से हम 28,000 पे वापस आ जाएंगे। तो सेव पॉइंट को कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये जब एसक्यूएल क्वेरी प्रॉम्प्ट पे मैं जो है एसक्यूएल मॉड्यूल जब स्टार्ट करूंगा तो वहां पे मैं प्रैक्टिकली जब इसको समझाऊंगा तभी ये आपको समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पर जो है मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि थ्योरेटिकली जो है आप सारे कमांड्स के बारे में समझ लो कि कमांड्स कैसे क्या होते हैं, कैसे रन करते हैं, किस कमांड से क्या क्या काम होता है। उसके बाद जब एसक्यूएल लैंग्वेज जब आप समझोगे तो वहां पर आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली आज का मेरा ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर था। इसमें जितनी भी कमांड्स के बारे में मैंने बताया है उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि एसक्यूएल का मॉड्यूल जब आप पढ़ेंगे तो यही सारे कमांड्स आपको वहां पर सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो मेरा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। बाकी का जो है टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।